स्प्रिंट कर दो ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है, स्पेशल में कर देता हूँ। ठीक है ना मत सोचिए। इसी वाले बच्चों तो बेसिकली देखिए, ठीक है ना। चलिए ठीक, सबसे पहले तो डेटा सेट चूज करना है। लोगों को कौन सा डेटा सेट लेना है, एनीवन कोई भी ले लेते हैं हम लोग। अभी कौन सा एल्गोरिथम देखते हैं, लेवाइस देखते हैं, तो इसका डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, केएनएन डेटा सेट नहीं, कोई भी केएनएन बोल रहे हैं, केएनएन डेटा सेट नहीं है। सो देखिए, फ्रॉम एसक्यूएल फ्रॉम कीजिएगा आपको, फ्रॉम एसक्यूएल सो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट UCIC में बताया था तुम लोगों को, UCIC में पूछा था, तो हम लोग UCIC भी कर सकते हो। कैसे करना है सारा बता दिया, यदि आपके पास सिस्टम में है तो कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया था। देखो सारा मैंने बता दिया आपको, जो यूज करना कर सकते, लेकिन क्योंकि अब हमें यहाँ पे समय का लिमिटेशन है ना, सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में वही लेता हूँ। आपको चाहिए डेटा सेट, आप UCIC में ले सकते हो, सिस्टम से भी कोई इशू, उस पर मैंने टेक्निक बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट इम्पोर्ट कौन सा लेंगे हम, डिजिट ले लेते हैं, कौन सा डिजिट, तो लिखोगे डिजिट्स, लोड डिजिट होता है ना, लोड अंडरस्कोर डिजिट्स एस्कोर, इसको रन करके देखो काम कर रहा है क्या। और वो जो पीपीटी मैंने बोला था आप लोगों को, तो प्रेजेंटेशन के लिए बोला, इस बार का जो असेसमेंट है मंथ का होगा ना, हर मंथ में होता है, वो वही मार्क होगा उसका, जो आप ये क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन में करेंगे वही मार्क। क्योंकि प्रेजेंटेशन का मेन पर्पस ये है कि आप कहां लैग कर रहे हो वो भी देखना है। चलिए पीपीटी बनाना है या स्लिप कोड बनाना है, चलिए एंटर मार दीजिए, डिस्कस करेंगे इसको बाद में। फ्रॉम एसक्यूएल, सो एल्गोरिथम की बात करें, एल्गोरिथम कहां से लाना है, इसके लिए कौन सा लाना है, नेव बायस। लेकिन नेव बायस जो है आपका एल्गोरिथम का फुल फॉर्म जो है एक्चुअली गॉसियन नेव बायस नाम है उसका, क्या नाम है, गॉसियन नेव बायस।
तो एसकेलन एसकेलन डॉट नेम वाइज एन ए आई अंडरस्कोर वाइज वी ए वाई एस आगे इंपोर्ट इंपोर्ट जी कैपिटल जी एंड गॉसियन जी ए यू डबल एस आई ए एन एन बी हाँ आ गया देखो सो ये एल्गोरिथम का नाम है धीरे करो एंटर मारो फिर अब इसके अलावा क्या चाहिए डेटा सेट के लिए हो गया ये इसके लिए और ब्रेक करना डेटा फॉर्म में उसके लिए क्या चाहिए मॉडल सिलेक्शन के अंदर क्या मिलेगा क्या इंटरेस्ट लेना है उस नेम बायस जो है मॉड्यूल के अंदर गॉसियन एनबी है जो एल्गोरिथम का नाम है ठीक है जो नाम है नेम बायस ठीक है उसको गॉसियन नेम बायस बोलते हैं ठीक है फ्रॉम देखो फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन फ्रॉम एसकेलन एसकेलन डॉट मॉडल सिलेक्शन डॉट मॉडल सिलेक्शन अंडरस्कोर आ गया देखो import तो आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगा कैसे हम उसको पांडा में कन्वर्ट करते हैं कैसे करते हैं सब ऑलरेडी आप कर चुके हो यस सर वो सब चीज करता हूं मैं थोड़ा शॉर्ट समझ चुके आपको कांसेप्ट पता है आप उसको खुद से भी कर सकते हैं ठीक है चलिए एंटर मारिए इसके बाद क्या चाहिए हमें इसके अलावा क्या चाहिए बताओ हां एक्यूरेसी भी चेक करना है क्लासिफिकेशन है तो क्या यूज करेंगे हम एक्यूरेसी इसको फ्रॉम स्केलर फटाफट लिखोगे फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स क्या होगा मैट्रिक्स मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स एमए वाला नहीं एमए मतलब मैट्रिक्स मतलब माप मैट्रिक्स मतलब क्या होता है माप है ना मतलब मेजर करना ठीक है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स स्पेस इंपोर्ट इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है एक्यूरेसी स्कोर क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अंडरस्कोर आ गया देखो चलिए उसको रन कीजिए हाँ एक और कर लीजिए इसको एक्सेस को हमें वो भी मालूम कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करना हो एंटर मारिए देखो फ्रॉम इसी में लिखोगे मैट्रिक्स के बाद तो सेम चीज यहाँ इंपोर्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स आ गया पहला वाला ये इंपोर्ट इंपोर्ट क्या होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स एस आई ओ डबल एस नहीं होना चाहिए डबल एस नहीं होता है कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स एम ए एम ए एम ए एम ए टी आर आई एस रन करो सबको आगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मतलब ये इस तरह का डिटरमिनेंट का इसका मतलब आप सही कर रहे हो ना चलिए हो गया नेक्स्ट चल यहां से लीजिएगा यहां पे आइए कर्सर वहां ऊपर चला जाएगा नीचे से नीचे से रीड करो उसको यहां पे हां सो अब क्या करना है डेटा हमारे पास डेटा को लोड करना है वेरिएबल लोकल वेरिएबल में करना है एक वेरिएबल का नाम दीजिए डिजिट कौन सा करना डिजिट करना है डिजिट नाम अब ये कहां से तो लोड डिजिट पता है फंक्शन यूज करते हैं देखो लोड डिजिट का फंक्शन मतलब ये ठीक है एंटर मारो नेक्स्ट चलो ये हमें लोड के लिए आपको देखना है थोड़ा सा तो मैं आपको शो कर सकता कितना टाइम बचा हुआ देखो हमारे पास समय है कितना 34 ही हुआ है बहुत समय है हमारे पास चलो देखो डिजिट देखो डिजिट से लिखो यहां पे डिजिट लिखो के बाद रन करो उसको देखो जैसे ही रन करेंगे हम अब थोड़ा सा इसको साइड कर दिया गौर से देखो इसको यहां से यहां पे थोड़ा सा इसके बगल से देखो इसको इसको सेलेक्ट करो हां इसको ऊपर करो हां देखो और पकड़ो ये इसको भी स्लाइड बगल से करो ऊपर चला गया बगल से करो देखो सो डिजिट है नीचे आओ इसको नहीं तो पूरा नहीं हो पाया इसको करो यहाँ जो है इसके बगल इस बगल में ही होगा हाँ उसको करो और उसको क्लिक करो यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे हाँ पार करो
तो आप पूरे सर्वे रखो उसको कॉम्पिटिशन आ जाए इसको ऊपर हो गया। देखो जैसा कि आपको पता है डेटा जो एसक्यूएल से लाते हैं उसमें तीन पार्ट होता है, उससे ज्यादा भी पार्ट होता है, बट हमारे काम का क्या होता है डेटा पार्ट और टारगेट पार्ट। उसके अलावा यदि हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करें तो फीचर पार्ट भी होता है, फीचर नहीं होता। तो यहाँ पे डेटा पार्ट है, फिर स्लाइड करोगे तो टारगेट पार्ट मिलेगा। इसी को स्लाइड करो नीचे, इसको इसको नीचे स्लाइड करो, और नीचे करो जो फीचर नेम हो गया ये सारा, और नीचे करो इसमें जाओ, यहाँ यहाँ पे जाओ ठीक है स्लाइड। जो भी डेटा पार्ट आपको पता है ऑलरेडी मैंने कई बार बताया, इसको हटाइए फिर हटाइए। अब हमें क्या करना है, इनपुट को अलग करना है आउटपुट को अलग करना है। इनपुट कहाँ मिलेगा डेटा से, और आउटपुट कहाँ से मिलेगा लेबर टारगेट से, है ना। तो लिखोगे कैपिटल एक्स पोज टू, कैपिटल एक्स पोज टू क्या लिखोगे, ये स्पेस क्यों दिया है बताओ, कैपिटल एक्स पोज टू क्या लेना है। तो लिखोगे इसमें दो पार्ट होगा ना, बहुत सारा पार्ट है, इसका डेटा पार्ट इनपुट होगा, तो लिखोगे डिजिट्स, डिजिट डॉट डेटा, क्या लिखोगे डिजिट डॉट डेटा डॉट डेटा, एंटर मारो, वाई पोज टू लिखो, वाई कैपिटल वाई पोज टू डिजिट डॉट टारगेट, क्या होगा डिजिट डॉट टारगेट, हो गया। चलो अब इसको रन कर दो, अब एक बार एक्स पे ले जाओ कर्सर को एक्स पे ले जाओ, तो क्लिक करो और फिर कर्सर ले जाओ एक्स पे, जस्ट वेट। तो देखिए कितना है इसमें 797 1797 चलो नेक्स्ट आओ, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेल पे जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओ, अब क्या करना है ब्रेक करना उसको ट्रेनिंग पार्ट टेस्टिंग पार्ट में। तो लिखोगे कौन सा फंक्शन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर पहला वाला सिलेक्ट करो और पैरेंथेसिस दो, मतलब ब्रैकेट का साइन। पहला क्या होगा यहाँ पे एक्स होगा, दूसरा क्या होगा वाई होगा, तीसरा क्या होगा टेस्ट साइज क्या देना है आपको, टेस्ट साइज जैसे मान लो 20% यूज कर लेते हैं या 10% यूज कर सकते हैं, 10% भी बहुत सारा हो जाएगा ना क्या। तो हम लोग क्या करते हैं 10 से भी कम लेते हैं, मान लो 0.05 5% रखते हैं 0.05। तो पहले तो x लिखो कैपिटल x कॉमा, लिखे नहीं कॉमा y कॉमा टेस्ट साइज। तो टेस्ट साइज का मतलब टेस्ट साइज मेंशन करो या तो ट्रेन साइज मेंशन करो। टेस्ट साइज करोगे तो बाकी जो 95% बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका ट्रेनिंग में चला जाएगा, या तो ट्रेनिंग साइज लिखो 95% तो बाकी क्या हो जाएगा आपका टेस्ट पे चला जाएगा, ठीक है 0.5 कॉमा स्ट्रेटिफाई, क्या लिखोगे स्ट्रेटिफाई STRATIFY equals to y comma क्या लिखोगे इसके बाद, और तुम टाइप कर सकते हो रैंडम स्टेट कुछ भी यूज कर सकते हो 1 2 3 रैंडम स्टेट underscore state equals to 1 2 3 कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो आपको 1 2 3 नहीं 1 या 2 या 3 चलो 1 लिखा। अब देखो ये जो फंक्शन है ना वो क्या रिटर्न करेगा,
एक्स को भी ब्रेक करेगा दो पार्ट में और वाई को भी ब्रेक करेगा दो पार्ट में, यस नो? तो एक्स को ब्रेक करने के बाद जो दो पार्ट मिलेगा वो क्या है, एक्स का ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट। सिमिलरली क्या होगा, वाई का भी दो पार्ट होगा, ट्रेनिंग पार्ट टेस्टिंग पार्ट। तो वो चार वैल्यू रिटर्न करेगा, उस चार को कहां स्टोर करेंगे, इसके लिए वेरिएबल यूज यहाँ पे अब यहाँ पे चार वैल्यू होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, एक्स ट्रेन कैपिटल एक्स अंडरस्कोर ट्रेन लिखोगे कॉमा, फिर एक्स का दूसरा पार्ट क्या होगा, एक्स टेस्ट होगा, फिर क्या होगा कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है ना? इस सब में कॉमन करते हैं, ठीक है ना, इस सब में कॉमन करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको रन कर दीजिए। सो अब मुझे बताओ 1700 के आसपास आना इसका, देखो 5% क्या होगा, 10% कितना होगा ये बताओ, 180 होगा, 180 होगा ना, उसका हम निकालेंगे। हेलो कोई दिक्कत है? अब देखिए रन किए इसको, अब एक काम करो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बस कर्सर ले जाओ, कर्सर लेके कुछ नहीं करो, कितना देखो 1700, ठीक है, अप्रोक्स 95% होगा। चलो यहाँ पे आप इस पे आप किस ये एच टेस्ट पे आप कर्सर बस रखो, देखो अप्रोक्स कितना आएगा, एक क्लिक करो पे, हाँ देखो 90, यानी गौर से देखो कितना था अप्रोक्स 10 में, मतलब हाँ 5% के आसपास ये कन्वर्ट हो चुका है नया सेल। अभी तो प्रिंटिंग वाला काम अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये सब चीज ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, आप खुद भी कर सकते, प्रिंट करके देखना, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना, ये सब चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपको बताइए, नेक्स्ट क्या यूज करोगे, अब ये चीज हमने कर लिया, हाँ बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना, मॉडल बनाना है, इंस्टांस बनाएंगे उसका। सो डेटा का पार्ट कंप्लीट, अब हमने जो इंपोर्ट किया था क्या गॉसियन एनवी, उसका हमें क्या वो तरह का क्लास है, वो क्या है क्लास के फॉर्म, और क्लास का हम जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता, इंस्टांस बनाना होता है। तो बनाएंगे लिखो, तो लिखो जीएनबी, क्या लिखोगे शॉर्ट में, मतलब गॉसियन जीएनबी है ना, गॉसियन नेपेरियन इक्वल्स टू, इसको हटाओ पूरा हटाओ जीएनबी से ब्रेक ना, हां जीएन शॉर्ट में, जैसे कहते हैं ना किसी का नाम है बड़ा प्रताप सिंह, उसको शॉर्ट में लोग बोलते जीपीएस, मतलब उसको बताने के लिए है कोई चीज। सो नेक्स्ट, अब देखो क्लास है उसका एक्सटेंस तब तक नहीं जब तक इसका ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं। जैसे आपके पास मान लो कोई मॉडल है, या आपके पास कोई मान लीजिए नक्शा है, मैप है, कोई मान लीजिए कुछ भी, उसके बेस पे आप बिल्डिंग बनाओगे तभी उसका एक्सटेंस होगा ना, लेकिन आपके नोटबुक में या आपके पेपर पे है तो कोई मतलब नहीं है उसका। वैसे ही क्लास होता है, क्लास का एक्सटेंस तभी होगा जब उसका इंस्टांस बनाए। मान लीजिए इस नक्शा को देखिए आपने घर बना दिया, तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, बट ये नहीं करता है। उसी तरह से वो बस बना हुआ, अब जब जैसे एक वेरिएबल हम बनाए अब उसका एग्जिस्टेंस आएगा एक्चुअली, तो क्या होगा गॉसियन, गॉसियन कैप्टन, हाँ वही जो है कैप्टन, ये आया था ऑप्शन कैपिटल जी, कैपिटल जी, ठीक है हो गया। उसको रन करो, सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द इंस्टांस ऑफ द गॉसियन एनवी, है ना, इंस्टांस कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो।
Now every function or every algorithm of machine learning algorithm consists to at least two methods. That is fixed method and the predict method. Yes or no? जितने भी algorithms हैं वो क्या करते हैं कम से कम fit method होता है और एक क्या होता है predict method. क्यों होता है? Prediction. So now take new cell. एक training के लिए और एक होता है prediction के लिए, है ना? So now you have to train the model, ना? That's why you will write GNV dot. क्योंकि GNV मतलब इसका क्या है? Object instance है. उसके बेस पे इसके अंदर function एक fit function होगा, उसको call करते हैं GNV dot fit. और फिट के लिए हम क्या डेटा यूज करेंगे? हमें ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रेनिंग पार्ट ना, ट्रेनिंग पार्ट है क्या? एक्सटेंड कॉमा वाइट. और अब वन डू सर थोड़ा बेटर और बेटर पैरेंथेसिस का था ओपनिंग हां इसको भी क्लोज कर दो. सो नाउ दिस इज द वे ऑफ फिटिंग द मॉडल. मतलब फिटिंग मतलब क्या? ट्रेनिंग द मॉडल. ये सर हमारे पास डेटा था, हमने इस पे फिट कर दिया. फिट मतलब इसलिए किया ताकि वो ट्रेन हो सके. सो दिस इज हाउ एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के बेस पे ये मॉडल ट्रेन होगा. किसके हेल्प से? फिट. तो पहले फिट करवाएंगे, डेटा देंगे तभी तो. सो डेटा देंगे तो वो ट्रेन होगा. सो दैट इज कॉल्ड फिट. रन कीजिए इसको. सो एज यू कैन सी यहां पे टिक नहीं लगा हुआ, एक एक पे यहां जो पार्ट था और नीचे इसको ये रन करो. इसको टिक लगा हुआ कहां लगा हुआ? वो सर एक मतलब शॉर्टकट आता है कंट्रोल एम बी से न्यू सेल, तो वहां से लिए, इसीलिए आ गया वो सर. नहीं ये टेक्स्ट है आपका. नहीं सर रन हम किए हैं सर, फिर से कर लेते हैं. रीड कर रन किया तभी आया है तो पक्का है. क्या 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 कैचेस? चलो सर वो यहां से हो रहा था. चलिए अब नया से लो. नेक्स्ट फिर वहां क्यों ले लिए? नेक्स्ट मान लो अब क्या करना है? प्रेडिक्ट करना है हमें. क्या यूज करेंगे? GNP dot predict. GNP dot predict. है ना? वही parenthesis. इसके बेस पे करना है, बताओ मुझे. X test या Y test चाहिए? X test या Y test? क्योंकि केवल input देना है. उसका answer हमारे पास कहाँ पर है? Y test. और हम बस उनको check कर रहे हैं कि तुम क्या answer देते हो. So that is called X test. ठीक है? और इसका वैल्यू जो स्टोर करेंगे ना हम वैल्यू को, या नहीं करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे? तो आओ यहाँ पे अरे रुक जाओ. देखो उसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. क्या नाम देंगे उसका? वाई प्रेडिक्ट, कैपिटल वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट. बस हो गया. ठीक है चलो. सो नाउ जो भी इसका रिजल्ट इसने प्रेडिक्ट किया होगा ट्रेनिंग के बाद, फिर जो भी इसको लगा होगा आंसर होगा, वो सारा कहाँ चला गया? सो अब हमारे पास इस टेस्ट का प्रेडिक्ट किया हुआ वैल्यू भी हमारे पास है, और जो ओरिजिनल था वो भी वैल्यू हमारे पास है. हम दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं. तो क्या करेंगे? नया सेल लो यहाँ पे. नया सेल लो, लिखो इसमें प्रिंट और लिखो के पहले एक्स टेस्ट, सॉरी वाई टेस्ट, ना वाई टेस्ट टेस्ट. और फिर नीचे एंटर मारो, इधर आओ, फिर लिखो प्रिंट, प्रिंट, फिर लिखो वाई क्या प्रिडिक्ट है ना, वाई प्रिडिक्ट है. सेकंड नंबर सेलेक्ट करें. ओह यस. चलिए अब प्रिंट को रन करते हैं. इसको रन किए थे हम लोग. हाँ देखिए क्या है इसका मैंने ऊपर. फिर उसके बाद उसको रन क्यों करते हैं? जब उसके बाद रन कर दिए तो ये नहीं रहा हम चलो. अब गौर से देखो क्योंकि डिजिट है ना. क्या ये डिजिट है ना? तो डिजिट कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 9 तक होगा. 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक होगा डिजिट. कितने क्लास हो गए यहां पे? 10. किसी को लगता है कि 9 क्लास होंगे? नो सर. पक्का?
गलती से भी यानी 10 क्लास होंगे क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होता है। अब देखो वही सारा क्लास प्रेडिक्शन। सो देखो फर्स्ट क्लास क्या था एक्चुअली में, इसने भी क्या बताया 7 था, इसने भी बताया 7, ये 2 था इसने 2 बताया, लेकिन यहां पे देखो कुछ ना गलती से हो ऐसा लिख दिया हो, एक्चुअली वो 8 होगा है ना, या लिखा हो कुछ इस फॉर्म में लिखा होगा, इस तरह से सही से नहीं लिखा होगा, क्या लग रहा होगा उसको ऐसे लिख दिया होगा, उसको लग गया 7, ये थोड़ा ठीक से लिखा होगा गलत, मिस क्लासिफिकेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन, एक्चुअली वो 8 था इसने क्या बताया, यहाँ पे 3 का देखो 3 में हो सकता है ना 3 ऐसा कोई लिख दिया होगा मान लो सपोज हैंड डायरेक्ट, अब वो कैसे पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है, सो दैट इज कॉल्ड मिस क्लासिफिकेशन। सो देखो बेसिकली अब हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, ऐसे कितना काउंट करते रहेंगे वन बाय वन मैन्युअली, तो हम क्या करते हैं निकालेंगे, चलो सेम तो नया क्या लिखेंगे प्रिंट प्रिंट लिखोगे एक्यूरेसी स्कोर एक्यूरेसी स्कोर एक्यूरेसी अंडरस्कोर और क्या यूज करना है इसके बेस पे वही दोनों इसके इसके बीच का, तो पहले y टेस्ट फिर y प्रेडिक्शन, y टेस्ट एंड y y टेस्ट y ठीक है ना, फॉर्म क्या क्या ट्रक का आवाज आया सर, क्या चीज नहीं मोबाइल फोन ऑन क्या क्या चल रहा है, बताओ मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले बोलते ना सर, पता है जो की करता ना तुम लोग खुद सर की जिम्मेवार तुम लोग खुद होते हो, तुम्हें ऐसे कोई खुद होता है जो सबको लेके चला जाता है, ठीक है क्या चलिए। तो कितना परसेंट आया बच्चों 82%, यदि आप इनटू 100 कर दोगे 82% दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि 82% आया सही है, लेकिन जो हमने कितना था ये काउंट कितना था कॉल किया था 90 था ना अप्रोक्स 90 था, तो 90 में से कितना उसने सही पता है कितना गलत हमें ये पता करना है, उसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे कंफ्यूजन, आइए लिस्ट लिखोगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स अंडरस्कोर मैट्रिक्स अंडरस्कोर इसी भी चल रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऐसे समझ सकते हो ये 0 डिजिट का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड
So, इसका मतलब क्या है? ये आपका जो है प्रिडिक्टेड होता है, क्या होता है ये, ऐसे कह सकते हैं ये आपका वाई प्रिडिक्ट है, क्या है ये, और ये जो है आपका क्या है वाई टेस्ट, जो की एक्चुअल वैल्यू है इसका मतलब ये वाजे को गॉड से, जो ये आपका कौन सा है बताओ, डायगोनल एलिमेंट है, यही हमारे पास ट्रू प्रिडिक्शन होता है, क्या होता है ट्रू प्रिडिक्शन, दिस इज ट्रू प्रिडिक्शन, ट्रू प्रिडिक्शन, इसका मतलब जो सही को सही कहना ना, ट्रू प्रिडिक्शन क्या हुआ, सही को सही कहना ट्रू प्रिडिक्शन, गलत है तो गलत कहेंगे, सही है तो सही है, सो इट मीन्स जो जीरो है हम जीरो को जीरो कहेंगे, वन को वन कहेंगे, वही ना होगा कि सही को सही गलत को गलत, जब यस नो होता तो ट्रू फॉल्स कहते, बट यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में ऐसे कितने हैं नाइन प्रिडिक्शन वैल्यू है जहां पे जो कि जीरो से बिलोंग करता था उसने भी क्या बताया, जीरो बताया, कोई दिक्कत, और ऐसा कोई नहीं है इसको जीरो था उसने कुछ और बताया, ऐसा कोई है क्या, देखो पहले इस पे फोकस करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेवन है जो कि क्लास वन यानी डिजिट वन था और इसने भी क्या बताया डिजिट वन है, सेवन है, इसका मतलब सिक्स ऐसे है जो टू लिखा हुआ था डिजिट वहां पे उसने भी बताया टू लिखा हुआ, इस तरह समझ सकते हो पूरा, चलो डायगोनल आपका ट्रू का ट्रू मतलब 5 को 5, 4 को 4 कहना है वो डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन उसके अलावा फैलो देखो जैसे यहां पर दिख रहा है विजिबल है, यहां पे देख रहे हो आप, और कहां पर देखो यहां पे देखो यहां पे देखो यहां पे देखो यहां पे देखो है ना, यहां पे देखो ये सारे वैल्यूज कौन कौन से है, ये वैसे है जिसको मिसक्लासिफिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं मिसक्लासिफिकेशन, यानी एक्चुअली में वो कुछ और था और हम कुछ और की बता रहे हैं, बोले हो उसको बंद कर दो, ठीक है, सो एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में क्या था, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में वो क्या था डिजिट वन था, अब मान लो कोई डिजिट वन ऐसा लिख दिया होगा सपोज, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, अब कोई ऐसा नहीं अच्छे से जल्दीबाजी में ऐसा वन लिख दिया होगा वो टू पढ़ लेगा ना एल्गोरिथम को, क्या लगेगा टू है और उसने क्या बोला, समझ में आया, तो ऐसे वन ऐसे वैल्यू है जिसमें कि एक्चुअली वो क्या था डिजिट वन था लेकिन इसने क्या बताया डिजिट, हो सकता है सही से नहीं लिखा हो सकता है, नेक्स्ट देखो ये भी क्या है एक्चुअली में वन था इसने क्या लिखते, ये तो और भी गड़बड़ कर दिया, कैसे पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया सुनने वाली बात, तो ऐसे क्लासिफिकेशन हो सकता, कुछ ऐसा लिखा होगा गड़बड़ से लिखा होगा धुंधा लिखा होगा उसको लग गया होगा, या जो डायग्राम पिक्चर लेने में गलत किया होगा सैंपल लेकर कनेक्ट करने में, ये भी हो सकता है सैंपल वन का एट का ले लिया होगा ये भी हो सकता है या वन का होगा, तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है चलिए, ठीक है बच्चों समझ आया ये सब क्या है, ये एक्चुअली में एट था इसने बताया सेवन, तो इस ये सब सारे मिसक्लासिफिकेशन है, अब पूछो कि सर ये जो एक्यूरेसी 82% समथिंग है वो कैसे आया, तो पहली बात तो पूरा सिंपल कैसे निकालते इसी से देखोगे, कैसे करोगे जितने भी यहां से पहले जितना ट्रू किया है ट्रू कितना किया इसको काउंट कर दो 9 प्लस 7 प्लस जो भी है ये ट्रू वाला हो गया कितना होगा देखो ट्रू वाला कितना है 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 ये है ना 1, 2, 3, 6 तो ये सारे वैसे वैल्यूज है जो ट्रू है, ये सारे क्या है ट्रू वैल्यूज, कैसा ना सही से किया है टोटल कितने ने किया ये देखो, उसके लिए या तो पूरे को हम काउंट कर लेंगे या हमें पता है टोटल कितना 90 था, पता 90 था बच्चों, अब इसको सॉल्व करके देखो 82% आना चाहिए, नहीं है
आप क्या कर सकते हो, नीव एस यूज करो। देखो आप, देखो आप पूछोगे सर, आप कहोगे ना सर सब तो इतने भी एल्गोरिथम सेम ही यूज कर रहे हैं। इसी ने जो थ्योरेटिकल पार्ट में समझाता हूं, इसलिए समझाता हूं। अगर पार्ट में सारे का काम जैसे कि यूपीएससी निकालना सबका काम होता है, क्या होता है यूपीएससी निकालना सबका काम होता है, यस और नो? होता है ना सबका काम, लेकिन तरीका भी तो अलग होता है सर। चलो यूपीएससी निकालना है ये अच्छा सपोज करो, लेकिन कोई दिन में पढ़ के निकालता, कोई रात में पढ़ता है, किसी को दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रात को पढ़ता हो, ऐसा भी होता है। कुछ लोग ऐसे भी 4 घंटे पढ़ के भी निकालते, कुछ 10 घंटे भी पढ़ के निकालते हैं, कोई बिना पढ़े नहीं निकालता है। यस सर, सो बेसिकली तरीका अलग, तो वही चीज यहाँ पर भी है। प्रेडिक्शन सब कर रहा है, सारे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कितने भी एल्गोरिथम्स, लेकिन तरीका सबका अलग है। तो तरीका कैसे है वो मैंने बताया, जो थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस करता हूँ वो क्या है, उसका थ्योरी है। क्या है उसका थ्योरी, कि वो इंटरनली एक्चुअली मशीन लर्निंग है, तो आपको लगा मशीन लर्निंग प्रॉब्लम ही नहीं, ये सारा मैथमेटिक्स, ये सारे एल्गोरिथम्स क्या है मैथमेटिक्स पे बेस्ड। इसीलिए पता है मशीन लर्निंग पढ़ाने से पहले प्रीरिक्विजिट में मैथमेटिक्स होता है, स्टैटिक्स आना चाहिए, स्टेट्स आना चाहिए, उसको मैथमेटिक्स बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, उतना भी नहीं, इतना पढ़ेंगे, पढ़ा है तो याद आ जाएगा उसको, है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया तो याद आ जाना चाहिए, तो उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। शुरू से आपको 1 क्लास से लेके मैथ पढ़ के आना है तो ऐसा नहीं, मतलब चीजें आप पढ़े हो समझ जाओ। सो कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। सो आपने देखा ना कि बहुत सारे एल्गोरिथम्स, केनन का तरीका अलग है, डिसीजन ट्री का तरीका अलग है, लॉजिक रिग्रेशन का तरीका अलग है, नेव बायस का तरीका अलग है, सबका अलग अलग तरीका, आपको और भी डिटेल में जाना है, उसके उस एल्गोरिथम पे जाओ, उसके अंदर देखो सारा कोड भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वो चीजें भी आप कर सकते हो, हो गया, नोट डाउन कर लीजिए सब, तो ऊपर से कर दो, सब नोट डाउन कर लेंगे। प्रैक्टिस हुआ, यस। तो मैं किसी को भी बुलाऊंगा, याद रखना, रैंडम में बुलाऊंगा किसी को, जब भी होगा एल्गोरिथम तो मैं रैंडम में बुलाऊंगा सबको। बात करने के लिए नहीं बोला हूं, हो गया चैचेस। अभी हमारे पास और भी समय है, ऐसा मतलब आज मैं ही रहूंगा, अभी है कुछ एग्जामिनेशन, कुछ काम है बिजी, कुछ कार्य हो गया होगा। ऑनेस्टली जो भी कहानी सुनना है खड़े हो जाओ, पहले मैं सुनाऊंगा। कौन बोला अच्छा आइडिया दिया, कौन बोला खड़े हो जाओ, आपको पता है कौन बोला है, तुम ही बोले हो ना, जो यहाँ बैठा था वही बोला है ना, कहानी दे रहे हैं कैसे मतलब। चलिए कितने बच्चे हैं आप काउंट करो, तो कितने बच्चे हैं, बंद कर दो सबको, बंद करो।
देखो अभी किसने पूछा, यही पूछने वाला है। देखो इधर ये पूछ रहे हो क्या, यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये पूछ रहे हो तुम, ये पूछ रहे हो। इसको कहते हैं, ये जो आपको मिल रहा है ना, ये सबसे पहली बात हम लोग क्या यूज करते हैं, गूगल कॉलेज यूज करते हैं, यूज करें गूगल कॉलेज। देखो ये आईडी है जहां पे हम पाइथन और मशीन लर्निंग जैसी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, उसमें क्या है, सब कुछ मैन्युअली हमें करना पड़ता है। हम यहाँ पे क्लाउड से करके बहुत सारे वेबसाइट से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल क्या है, वेबसाइट क्या है, पास एक्सेस कर रहे हैं, वो सब चीजें हमें नॉर्मल आईडी में नहीं मिलता। और हम तो नॉर्मल आईडी में जो भी प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो जब प्रोग्राम रन होता है तो मशीन लर्निंग का प्रोग्राम है, वो बहुत ट्रेनिंग होता है, बहुत सारा काम होता है उस केस में। हमारा जो रैम है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, रैम चाहिए उसको, प्रोसेसर का भी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है हमारे सिस्टम में वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता है हमारा सिस्टम जो है उतना फास्ट नहीं चलता हो सकता है हमारे में रैम उतना नहीं है, हो सकता है हमारा प्रोसेसर स्लो है, सभी हो सकता है। तो उस केस में मे बी किसी का डिले हो सकता है, किसी का फास्ट हो सकता है, या कुछ टाइम भी लग सकता है। तो इसीलिए जीपीयू यूज करते हैं, इसको कहते हैं गूगल कॉलेज का जीपीयू है, मान लीजिए समझिए, जहां पे सर्वर देता है, एक सर्वर इसका है कि जैसे आप कनेक्ट होते हो, आप एक क्लाइंट हो गए, आपको कुछ अमाउंट, उसके पास कुछ रैम होगा, बहुत ज्यादा रैम होगा, रैम है उसके पास, उस पर हार्ड डिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्लाउड पे है, और ये क्लाउड के सिस्टम पे रन करता, सर्वर पे रन करता, हमारे सिस्टम में नहीं रन करता, ये सर्वर पे रन करता। तो सर्वर पे जब आप कनेक्ट होते हो, आप एक क्लाइंट हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ वो रैम स्पेस देता है जो आप केवल यूज कर सकते हो, उसी तरह से वो देता है आपको कुछ स्टोरेज भी देता है। तो जो भी हम काम करें वो स्टोरेज हो रहा होगा ना, रैम कर रहे हैं। अभी जैसे आप जाके फाइल सेक्शन में आपको कोड करते हो, याद है फाइल में मैंने बताया, फाइल सेक्शन में वो जो लोड होता है वो सारा कहाँ होता है, डिस्क में होता है। तो ये रैम जो कि आपको क्लाउड पे रन करने में हेल्प करता है, तो क्लाउड पे भी रन करना है, रैम होना चाहिए वहां पे, तो उसके लिए आपका होगा, और ये स्टोर करना है आपको क्लाउड पे, उसके लिए होता है। तो ये आपको सर्वर प्रोवाइड करता है डिस्क स्पेस और रैम स्पेस, कोई दिक्कत, ताकि आप अपने प्रोग्राम को क्लाउड पे ही कर सकते। फायदा ये है देखो, सबसे पहली बात फायदा ये है कि हमारे सिस्टम का रैम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क भी हो क्या फर्क पड़ता है, तो हम उसको क्लाउड पे भी बहुत अच्छा चीज है। और मोस्टली मैं बता दूं, जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स आपने देखा भी होगा कि डीप लर्निंग का कोर्स किया आपने, क्या था आपने डीप लर्निंग कोर्स किया, तो वो क्या यूज किया था, यही यूज किया था। तो वो सारे रिसर्चर्स है ना जो रिसर्च करते हैं, तो सारे तो यही यूज कर रहे हैं ना, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो रिसर्च पर्पस के लिए। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे किसी वेबसाइट से भी आप कोई भी एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम। आपके रैम में कम रैम है ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है, आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये सब चीज फायदा है, ठीक है, कोई दिक्कत और कोई डाउट बताइए। तो अभी जो मैंने दिया है, बाकी सारे बच्चे सिस्टम जिनके पास है रन करके बताएंगे, अभी मैं चेक करूंगा सब कुछ, वेट कीजिए। देखो अब फायदा क्या है इसमें, हम थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे सब कुछ चेंज हो जाएगा, केवल देखो हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा से चेंज करेंगे और यहाँ से चेंज करेंगे, चेंज हो जाएगा सारा काम हो जाएगा। कुछ चेंज करना हो क्या हमें, कुछ भी, यदि मान लो हमें डेटा से कुछ और चाहिए, वाइन चाहिए, तो यहाँ से वाइन चेंज कर देंगे और यहाँ चेंज बाकी फिर रन कर देंगे, हो जाएगा वाइन, कोई दिक्कत। हाँ थोड़ा कुछ डाउट है, ठीक है बच्चों, अब कितने बच्चे काउंट करने मैंने बोला था, किसी को कितने बच्चे हैं यहाँ पे, एक
चलिए अच्छा है हमारे पास ऑप्शन है, एक काम करो